Today, we are going to start with a new poem named Amanda, written by Robin M.C. McLean. She is an Australian author. वो एक ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं. She used to write books for children. बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं. She also writes and writes children's and young adult fiction. तो fiction books लिखती हैं basically. फिक्शन मतलब होती है जो रियल नहीं होती, जिनमें मेड अप स्टोरीज होती हैं. चिल्ड्रन के लिए भी लिखती हैं और एडल्ट के लिए भी लिखती हैं. कुछ उनकी फेमस बुक्स हैं, हैटिंग एलिसन एशले, पीपल माइट हेयर यू एक्सेट्रा. तो ये उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द होल पोम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. लेट्स स्टार्ट. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स Amanda, stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the streets. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat the chocolates, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop that sucking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So, this poem is about a little girl named Amanda. Now, the poet has tried to express the views of the little girl, Amanda. उन्होंने try किया है कि वो किस तरीके से अमंडा एक जो लिटिल गर्ल है उसके व्यूज़ एक्सप्रेस कर पाएँ जब वो पॉइंटेड आउट होती है बार बार अपने मिस्टेक्स के लिए बाय हर मदर. सो वो बार बार छोटी छोटी गलतियाँ करती हैं जिसकी वजह से उसकी मदर पॉइंट आउट करती हैं उसे कि उसने यहाँ यहाँ मिस्टेक्स की हैं. नाउ जो मिस्टेक्स यहाँ पर हैं दैट आर कंसिडर्ड एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. नाउ कोड ऑफ गुड कंडक्ट मतलब गुड बिहेवियर, गुड मॉरल्स, गुड वैल्यूज़. नाउ एक जो चाइल्ड होता है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे से गुड बिहेवियर में बिहेव करे. बट जब वो नहीं कर पाती है, जब वो छोटी छोटी गलतियाँ करती है तो उसकी मदर उसे पॉइंट आउट करती हैं. नाउ ये कोड ऑफ गुड कंडक्ट बनाया किसने है? दीज नॉर्म्स आर लेड बाय द सोसाइटी, द कल्चर इन विच वी लिव. जहाँ हम रहते हैं उसके कल्चर ने ये छोटे छोटे नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए हैं फॉर एवरीवन, जिसको हम समझते हैं कि वो गुड बिहेवियर के अंदर आती हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. I will read the paragraph and then I will explain you. Let's start. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders. Hunch ka matlab hota hai bend, jhukna. Stop that slouching and sit up straight. Slouching when you sit in a very lazy way. Bahut hi laziness mein jab hum baithte hain to usko slouching bolte hain. There is a languid emerald sea. Languid matlab hota hai relaxed. Emerald is green in color. Green color को हम emerald भी बोलते हैं. तो यहाँ पे sea को क्या बोला है? Green sea की बात करी गई है. Where the sole inhabitant is me. Inhabitant का मतलब होता है resident, जहाँ पे रहता है कोई. A mermaid drifting blissfully. Drifting means carried slowly by the water. कोई चीज़ या कोई पर्सन जो बाय द वाटर फ्लो के वाटर के फ्लो में बहता चला जाता है उसको हम ड्रिफ्टिंग बोलते हैं. ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, वेरी हैप्पी. नाउ द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड
इन दीज टू पैराग्राफ्स इज एनाफोरा, जो पहली दो लाइन में यूज़ करा गया है. एनाफोरा क्या होता है? जब स्टार्टिंग वर्ड बार बार रिपीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स. तो डोंट बार बार रिपीट हो रहा है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स हैं, मतलब एक के बाद दूसरी है, तो यहाँ पे एनाफोरा यूज हुआ. दूसरा लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस यूज हुआ है. लाइन नंबर टू, डोंट हंच योर शोल्डर. एसोनेंस कब होता है? जब कोई वॉवल का साउंड बहुत ही उभर कर आता है किसी लाइन में, उधर एसोनेंस यूज होता है. एसोनेंस का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ साउंड ऑफ वॉवल इन डिफरेंट वर्ड्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन द सेम लाइन. सेम लाइन है, अलग अलग जगह ओ का साउंड आ रहा है, ठीक है. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, तो ओ का साउंड उभर कर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एसोनेंस यूज़ किया है. फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में मेटाफर यूज़ हुआ है. क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, एमराल्ड का मतलब ग्रीन होता है, और यहाँ पर एमराल्ड को ग्रीन सी से कंपेयर किया जाता है. जब कोई चीज़ कंपेयर करी जाती है तो वहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल होता है. देन उसके बाद रेपिटिशन यूज़ हुआ है. रेपिटिशन पहले पैराग्राफ में अमांडा अमांडा बहुत बार बोला गया है, दो से तीन बार अमांडा बोला गया है. नाउ ये जो है इसमें रेपिटिशन ऑफ द वर्ड आया है, ठीक है. फिर उसके बाद एल्यूजन यूज़ हुआ है. एल्यूजन क्या होता है? जब हम कोई इमेजिनरी क्रिएशन के बारे में, इमेजिनरी क्रिएचर के बारे में हम किसी पोम के पैराग्राफ में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मरमेड का यूज़ हुआ है. अब ना मरमेड असलियत में तो नहीं होती, दे आर नॉट रियलिस्टिक, बट ये एक इमेजिनरी क्रिएचर है जिसको सिर्फ सोचा जा सकता है, तो यहाँ पे हमने एल्यूजन यूज़ किया, ALLUSION. फिर उसके बाद यूज़ हुआ है एलिटरेशन. एलिटरेशन तब यूज़ होता है जब स्टार्ट के वर्ड्स में या फिर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में किसी कॉन्सोनेंट का साउंड आए. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए टू जेड से लेकर फाइव वॉवल्स होते हैं उसमें, ए ई आई ओ यू. जितने बचे हुए अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइन नंबर थ्री, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. तो एस यहाँ पर बार बार आ रहा है और क्लोजली फॉर्म्ड वर्ड्स में आ रहा है, एस उभर के आ रहा है एस का साउंड, तो यहाँ पर एलिटरेशन यूज हुई है. ओके, नाउ दीज टू पैराग्राफ्स मीन्स दैट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमांडा. यहाँ पे पूरी जो पोम है वो अमांडा एक लिटिल गर्ल के बारे में है, और इस पहले दो पैराग्राफ्स में पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं लिटिल गर्ल को, हु इज़ ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स. सो अब वो बार बार उसकी मदर उसे पॉइंट आउट कर रही हैं उसकी मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के लिए. अब जो चीज़ आपकी ब्रैकेट्स में, एज यू कैन सी, पहले पहला स्टैंजा है, उसके बाद देयर समथिंग इन ब्रैकेट्स. नाउ दीज ब्रैकेट्स इज व्हाट शी इज फीलिंग. ओके, सो द पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमांडा फॉर बाइटिंग नेल्स विच इज़ द बैड हैबिट. नाउ बाइटिंग नेल्स इज अ बैड हैबिट, तो अमांडा को सबसे पहले उसकी मदर नेल्स बाइट करने के लिए उसे पॉइंट आउट करती हैं. नेक्स्ट शी आस्क हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स. दूसरी चीज़ जो वो कहती हैं वो ये कहती हैं कि अपने शोल्डर को बिना झुकाए बैठो, सिट स्ट्रेट, लेजी तरीके से नहीं बैठो. Amanda, who has habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. उसकी मदर चाहती है कि वे करेक्ट पोस्चर में सिट करें, फिर उसको वो टोकती हैं इस चीज़ के लिए. At this point of time, when she is being scolded by her mother, she imagines herself to be in a deep green sea. Now, जब उसको डांट पड़ रही है अपनी मदर से, व्हेन शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर, व्हाट इज शी थिंकिंग? सो ये जो ब्रैकेट्स में दिया है, दिस इज़ व्हाट शी इज़ थिंकिंग. शी इज़ थिंकिंग हर सेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी. वो ऐसा सोच रही है कि वो इस टाइम पे एक बहुत ही डीप ग्रीन सी के अंदर है.
शी सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी द ओनली रेसिडेंट ऑफ दिस ग्रीन सी, और वो चाहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेली मेंबर हो जो इस ग्रीन सी में रहती हो. She imagines herself like a mermaid who is alone there and leads her life in a very relaxing way. Now, अब वो क्या चाहती है? She wishes कि वो एक mermaid है. वो imagine कर रही है that she is a mermaid और वो उस deep green sea में अकेले रहती है और जैसे मर्जी चाहे वैसे रहना चाहती है in a relaxing way, जिस जहाँ उसकी mother उसे डांटे ना, उसे point out ना करे, कोई code of good conduct हो ही ना वहाँ पर. She says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. फिर वो कहती है कि in the last line, drifting blissfully. इसका मतलब है कि वो चाहती है कि वो जो water है, water की जो waves हैं, उससे वो उसके साथ बहती बहती चले जाए और इस एनवायरनमेंट को, इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट को हैप्पीली एक्सपीरियंस कर पाए, फील कर पाए इन अ वेरी रिलैक्सिंग एंड अ हैप्पी मैनर. दिस इज़ व्हाट शी वांट्स हर. ओके, नाउ दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई वांट यू टू गो थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क.